हेलो भाई, नवंगित फिर से हीरो ने मेरी सुन ली, खासकर लोगों ने भी। अगर आपने पिछले महीने वाला सेल्स वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा भाई, मैंने एच एफ डिलक्स का सेल्स देख के बोला था मेरी आंखें तरसती गई है एच एफ डिलक्स का सेल्स 1 लाख के ऊपर देखने को, मतलब अबव देखने को कह सकते हो, क्योंकि पिछले महीने एच एफ डिलक्स 78,700 बिकी थी। लेकिन इस महीने भाई हीरो मोटोकॉर्प ने 1 लाख से भी ज्यादा एच एफ डिलक्स को बेच दिया इंडियन मार्केट में, और लोग बाग खरीद भी लिए भाई। एग्जैक्ट फिगर तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, इसीलिए एंड तक देखना, साथ ही भरपूर मजा भी आएगा भाई। आज अपन 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर के बारे में जानेंगे अब की मई महीने की। आओ शुरू करते हैं भाई। 10th नंबर पे है एक्सेल 100। अभी मई के महीने में इसकी 35,837 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। अप्रैल की बात करते हो तो 34,925 यूनिट बिकी थी, लगभग 912 गाड़ियां ज्यादा बिकी है भाई एक्सेल 100 की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसमें अपने को दो मॉडल मिलते हैं भाई, हैवी ड्यूटी और कम्फर्ट एक, दोनों का मैंने आपको सेल्स कम्बाइन बताया है। इन दोनों गाड़ियों को भाई मतलब छोटे सिटीज बड़े सिटीज हर जगह लोग पसंद कर रहे हैं यार। 4.3 bhp का पावर और 6.5 nm का टॉर्क इसमें मिलता है। 51-52 तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 86 kg का मतलब 86 kg का अपने कर्वेट मिल जाता है। अभी प्राइजेज की बात करते हो तो ये गाड़ी 72,084 रुपए तक मिलती है भाई ऑन रोड, मतलब टॉप मॉडल का मैंने आपको प्राइस बताया। हालांकि बेस लोगे तो 50-52 हज़ार तक भी मिल जाएगा जिसमें सेल वगैरह नहीं आता, लेकिन 72,000 वाला लोगे तो उसमें आपको सेल भी मिल जाएगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा और लुक भी तगड़ा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे है भाई अपाची सीरीज। मई के महीने में सारे अपाची की मात्र 41,955 यूनिट बिकी है भाई। अप्रैल के महीने में 38,148 यूनिट बिकी थी, 3,807 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि ठीक है भाई। मतलब एक ज़माने में 70-80 बिका करती थी, लेकिन आजकल भाई 50,000 का भी आंकड़ा टच नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, पिछले महीने से तो इम्प्रूवमेंट में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अपन अपाची 2V के बारे में जानेंगे भाई, जो 160 के साथ आता है। चार कलर ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं भाई। 15.82 bhp का पावर मिलता है, 13.85 nm का टॉर्क मिलता है, 45 kmpl तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। इसके अलावा कर्वेट की बात करते हो तो 137 kg का कर्वेट मिलता है। अभी प्राइस की बात करते हो तो पहले इतने प्राइस में भाई 4V आ जाया करता था 160, लेकिन अब भाई ये 2V आता है 1,44,163 रुपये से मिलना शुरू होती है, वो भी ड्रम वेरिएंट। अगर ड्यूल डिस्क लोगे तो भाई उसके लिए तो ज़्यादा ही पे करना पड़ सकता है। 8th नंबर पे है भाई प्लेटिना सीरीज। अभी मई के महीने में इसकी 42,154 यूनिट बिकी है भाई। अप्रैल के महीने में 46,322 यूनिट बिकी थी, लगभग 4,168 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई प्लेटिना सीरीज की। ये अच्छा नहीं हुआ यार प्लेटिना के साथ 4,168 यूनिट कम। हालांकि देखो भाई, इस गाड़ी का उतना पहले जैसा क्रेज नहीं रहा यार, ABS वगैरह लॉन्च कर दिए, फिर भी देख लो भाई सेल्स में गिरावट ही आ रहा है। खैर, प्लेटिना 110 में अपने को 9 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइस की बात करते हो तो वही 88,000 रुपये तक इसका टॉप मॉडल का प्राइस आता है। हालांकि इसका 100 वाला मॉडल लोगे, प्लेटिना 100 वाला, तो वो आपको 76-77 तक मिल जाएगी भाई ड्रम वेरिएंट, हालांकि उसमें भी डिक्स आ जाता है। अभी 110 के पावर फिगर की बात करते हो तो 8.48 bhp का पावर, 9.81 nm का टॉर्क, 70 kmpl तक माइलेज लोग बाग निकाल लेते हैं, मैं भी निकाल लेता हूँ भाई, बाकी 119 kg का अपने को कर्वेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 7th नंबर पे भाई एक्सेस। अभी ये सुजुकी के प्रोडक्ट है भाई। मई के महीने में इसकी 45,945 यूनिट बिकी है भाई। अप्रैल की बात करते हो तो 52,231 यूनिट बिकी थी, लगभग 6,286 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई। अभी देखो, जुपिटर वगैरह और एक्टिवा और एक्सेस भाई तीनों का सेल इस महीने बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम। बताता हूँ, एक्सेस का तो आपने देख लिया, 14 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई एक्सेस का। अभी प्राइजेज की बात करते हो तो 97,800 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ये गाड़ी। 8.6 bhp का पावर, 10 nm का टॉर्क, माइलेज की बात करते हो तो 48 kmpl तक माइलेज, बाकी 103 kg का अपने को कर्वेट मिल जाता है। 6th नंबर पे भाई जुपिटर। मतलब मैंने हरदम देखा है भाई जुपिटर और एक्सेस एक ही जगह होती है, मतलब आसी पास, कभी मैंने दूर दूर देखा ही नहीं है भाई इन दोनों गाड़ियों को। मई के महीने में जुपिटर सीरीज की 57,609 यूनिट बिकी है भाई। अप्रैल के महीने में 59,583 यूनिट बिकी है, लगभग 1,974 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि उतना ठीक नहीं बोलेंगे भाई। जुपिटर मतलब हर महीने 60,000-59,000 बिक जाती है, लेकिन इस महीने 57,609 ही बिकी भाई। खैर, प्राइजेज की बात करते हो तो जुपिटर 110 आपको 86,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है भाई दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। पावर वगैरह की बात करते हो तो 7.77 bhp का पावर, 8.8 nm का टॉर्क, माइलेज अपने को मिलता है 50 kmpl तक, बाकी कर्वेट अपने को मिलता है 107 kg का, मतलब ये भी अच्छी खासी भारी है यार। 5th नंबर पर है भाई साइन। अभी साइन में 100 लॉन्च हो चुका है भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको
साइन 100, साइन 125 और एसपी 125 का सेल सब का ऐड करके बताऊंगा, क्योंकि कंपनी ने अलग अलग भेजा ही नहीं है। मई के महीने में 103,699 यूनिट बिकी है भाई साइन की, मतलब सबकी कंबाइन। अप्रैल के महीने में 79,261 यूनिट बिकी थी, लगभग 14,438 गाड़ियां ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी देखो साइन आने से कुछ ज़्यादा इनके सेल में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ भाई, ये हर महीने इतना बेच लेते हैं, नॉर्मल मार्केट में भी बिक जाती है आराम से। अब यहाँ पे साइन 100 के बारे में जानते हैं भाई, 5 करोड़ ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें। प्राइस की बात करते हो तो 79,165 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ा सा यार महंगी नहीं है। 64,500 रुपये इन्होंने एक शोरूम रखा है, तो ठीक है यार ऑन रोड आते आते तो इतना हो ही जाएगा। हालांकि मैं जो आपको प्राइस बताया है वो दिल्ली का है भाई। पावर की बात करते हो तो 7.28 BHP का पावर मिलता है, 8.05 Nm का टॉर्क, करवट अपने को मिलता है 90 kg का, बाकी फ्यूल टैंक इसमें मिलता है अपने को 9 तक। हालांकि माइलेज की बात करते हो तो अगर आपने माइलेज टेस्ट वाला वीडियो देख रखा होगा साइन 100 का किसी और चैनल पे तो मुझे बताना भाई, मैंने नहीं देख रखा है, बाकी मैंने नेट पे चेक करा नहीं मिला मेरे को। फोर्थ नंबर पे है भाई HF डिलक्स, अभी जिसका स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो आ ही गया भाई। मई के महीने में HF डिलक्स की नहीं मानोगे 109,100 यूनिट भी किया है। अप्रैल में 78,700 यूनिट भी की थी, मतलब 30,400 यूनिट का डिफरेंट, बाप रे बाप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा भी किया भाई 30,400। अभी HF डिलक्स में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं भाई, HF 100 भी आता है, उसी का आज प्राइस वगैरह जानेंगे। तो उसका भाई प्राइस अपने को ऑन रोड पड़ता है 67,785 रुपये। पावर की बात करते हो तो 7.91 BHP का पावर, 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है, 65 kmpl तक माइलेज मिल जाता है, बाकी 110 kg का अपने को कर्व मिल जाता है उसमें भी। HF डिलक्स और HF 100 में बस इतना ही फर्क है भाई, उसमें आपको सेल्फ मिलता है, इसमें आपको सेल्फ नहीं मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह में फर्क है, और ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है भाई। अगर आपका बजट ढीला है तो HF 100 आराम से उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर पे है भाई पल्सर सीरीज, अभी मई के महीने में पल्सर सीरीज की 12,000, क्या मजाक कर रहा हूँ भाई, 128,403 यूनिट बिकी है। अप्रैल के महीने में 115,371 यूनिट बिकी थी, लगभग 13,032 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पल्सर सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्लेटिना का सेल देख के मैं निराश हो गया था, लेकिन पल्सर का सेल देखे भाई दिल खुश सा हो गया। अभी पल्सर N160 के बारे में जानते हैं, उसमें 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। प्राइस की बात करते हो तो 144,766 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अपने को मिलता है 15.68 BHP का, टॉर्क अपने को मिलता है 14.65 Nm का, 45 kmpl तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी करवट अपने को मिलता है 152 kg का, जो कि ठीक है भाई, गाड़ी उतनी भारी नहीं है। हालांकि इसमें ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिस प्राइस पॉइंट में मिलती है ना भाई ड्यूल चैनल ABS, बहुत ही अच्छी बात है यार, मार्केट में कोई ऑफर नहीं करता। खैर ज्ञान ज़्यादा पेल दिया। सेकंड नंबर पे भाई एक्टिवा सीरीज, मई के महीने में 203,365 यूनिट बिके भाई एक्टिवा सीरीज की। अभी एक्टिवा में भी दो मॉडल आते हैं, 6G और आपका 125। अप्रैल के महीने में 246,016 यूनिट बिकी थी, 42,651 गाड़ियों का गिरावट, बाप रे बाप, मतलब ऑलमोस्ट 47,000 कह सकते हो, इतना कम भी किया भाई एक्टिवा। तो एक्सेस और जुपिटर का सोच ही लो क्या हाल हुआ होगा। एक्टिवा 6G में अपने को 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, हालांकि अब 6G नहीं रहा भाई, वो बस एक्टिवा के नाम से ही आ रहा है, 6G इन्होंने हटा दिया। पावर की बात करते हो तो 7.73 BHP का पावर, 8.90 Nm का टॉर्क, 48 kmpl का माइलेज, बाकी 106 kg का अपने को करोड़ मिल जाता है। 79,648 रुपये से मिलना शुरू होती है आपकी एक्टिवा 6G क्यों बोल रहे हैं यार बार बार, 6G तो बंद हो गया ना। एक्टिवा एक ऐसी प्रोडक्ट है भाई जिसको लोग बाग जाके शोरूम में देखते नहीं है, बस आंख बंद करके डायरेक्ट खरीद ले आते हैं। फर्स्ट नंबर पे है भाई स्प्लेंडर सीरीज, हमेशा की तरह मई के महीने में स्प्लेंडर सीरीज के 3,42,526 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। अप्रैल के महीने में 2,65,225 यूनिट बिकी थी, मतलब 77,301 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट, वाह हीरो वाह क्या बात है। अभी स्प्लेंडर प्लस में अपने को 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, 86,721 रुपये से मिलना शुरू होती है, 7.91 BHP का पावर, 8.05 Nm का टॉर्क, 60 kmpl तक माइलेज, 112 kg का कर्विट अपने को मिलता है स्प्लेंडर प्लस में। अभी स्प्लेंडर सीरीज में अपने को 2 मॉडल मिलते हैं, सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस, दोनों का मैंने आपको सेल्स ऐड करके बताया है। अगले महीने आपको पैशन प्लस का भी सेल्स देखने को मिलेगा, अभी तो पिछले महीने लॉन्च नहीं हुई थी ना भाई, अब तो लॉन्च हुई ना, तो ये आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। बहुत भाई सोच रहे होंगे इसमें स्कूटर भी है बाइक भी है, तो आपकी जानकारी के बता दूं इसी को भाई टॉप 10 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर बोलते हैं, जिसमें बाइक और स्कूटर शामिल रहता है। अगर आपको सेपरेट वाला वीडियो देखना है तो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा, ज़्यादा दिन नहीं भाई, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि लिस्ट आया नहीं है, लिस्ट आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर आ जाता है।
तो यहाँ पर हम सभी ने भाई 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली टूलर्स के बारे में जान लिया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा भाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, दिल से।